हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वांडा विजन के एपिसोड 3 की एंडिंग को, क्योंकि इसकी एंडिंग थोड़ी अलग थी। हमने देखा कि वांडा ने जेरल्डाइन को उठाकर वेस्ट व्यू के बाहर फेंक दिया और वहां पर बहुत सारी पुलिस है। तो इस सीन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ वांडा विजन और नई नई मूवीज़ या फिर सीरीज़ पर। तो हम देखते हैं कि जेरल्डाइन जो है वो वांडा के घर पर गई हुई है और उसी टाइम वो पेट से भी है। और हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स में देखा कि जेरल्डाइन जो है वो वांडा के साथ अपनी दोस्ती बना रही है, क्योंकि ये राज जान सके। मेरे हिसाब से ये एक एजेंट है, अंडरकवर एजेंट, जो कि वांडा को समझाने के लिए अंदर आई थी। बाहर के लोगों द्वारा भेजी गई थी, जो कि बाहर पुलिस वो सब संगठन है, कोई भी संगठन हो सकता है, मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि वो पुलिस ही है। वो लोग बाहर होके वांडा के ऊपर नज़र रख रहे हैं और इसे अंदर भेजा था कि ये वांडा को कन्विंस करे कि ये जो फेक रियलिटी इन्होंने इसने बनाई है वो इसे छोड़ दे और बाहर की रियलिटी में आ जाए। अब हम देखते हैं कि जेरल्डाइन वांडा के घर पे गई हुई, वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे भी होते हैं, दो ट्विंस होते हैं। और उसी टाइम वो उससे बात करती है तो उसके साथ घुल मिल जाती है। वहाँ पे वो वांडा, हम देखते हैं कि सोकोवियन सॉन्ग भी गा रही है। अब वांडा कहती है कि मैं भी एक ट्विन थी, मेरा भाई पिएट्रो जो कि मर गया है, मरा नहीं है ऐसा कुछ बोलती नहीं, मतलब मेरा भाई पिएट्रो था। लेकिन ये गलती से बोल देती है जो लेडी होती है जेरल्डाइन कि उसे अल्ट्रॉन ने मारा था। अब यहाँ पर वांडा को उसके ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि वांडा जो इसमें जितने भी कैरेक्टर है उन सबको कंट्रोल कर रही है, विजन से लेके उन सबको। क्योंकि हमने एक और इसमें पहले सीन देखा कि विजन जब भी कुछ गलत सोचने जाता है वांडा रियलिटी बदल देती है एकदम थेनोस की तरह चुटकी बजा के। और वांडा रियलिटी बदल बदल के सब जी रही है, लेकिन देखती है कि ये लेडी मेरे कंट्रोल से बाहर है। अब यहाँ पर हम बाहर देखते हैं कि विजन खड़ा होता है और वहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं, एक तो हर्ब होता है और दूसरी वो लेडी होती है, कि किस तरह से जेरल्डाइन अंदर गई। अब विजन जाके उनके पास पूछता है कि तुम्हें उसके ऊपर क्यों डाउट है, तो वो बताते हैं कि ना तो उसके पास घर है और वो इस टाउन में भी यानी कि वेस्ट व्यू में भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं उसको बातें करते हुए। अब इसीलिए विजन दौड़ के अंदर जाता है, उसे लगता है कि खतरा है वांडा के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि वांडा उसे पहले ही उठाकर वेस्ट व्यू के बाहर फेंक देती है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये एक अल्टरनेट रियलिटी है, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि वेस्ट व्यू के अंदर सुबह थी और हमने बाहर देखा कि वहाँ तो रात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वांडा ने एक अल्टरनेट रियलिटी बना रखी है और वो इसी के अंदर रहना चाहती है। जैसे ही वांडा जेरल्डाइन को उठाकर बाहर फेंक देती है वेस्ट व्यू के, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है जो कि फोकस मार देता है उसी औरत के ऊपर और बहुत सारी कार्स वहाँ पर आ जाती है। जैसा कि हमें लगता है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग थे और इस वेस्ट व्यू के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जिसको वांडा ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फोकस लाइट्स भी लगाई गई हैं कि अगर अंदर कुछ होता है तो इन्हें बाहर एजेंट्स को पता चल जाए। तो अब मुझे कैसे पता चला ये एजेंट नज़र रख रहे हैं, तो आपने दोस्तों मनी हाइस्ट देखी होगी, उसमें भी जो पुलिस होती है उन्होंने बाहर तंबू बनाए हुए थे ऐसे, जहाँ पर ये मॉडर्न तंबू कह सकते हैं इसे, तो इसी में लोग ये एजेंट रहते होंगे और वांडा के ऊपर बाहर से नज़र रख रहे होंगे। मेरे हिसाब से इसमें न्यूक फ्यूरी और जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज है वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं दिखाया गया। शायद लास्ट के कुछ एपिसोड्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो होने वाला है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड्स पर और इसके ऊपर एक और वीडियो मैं बना सकता हूँ अगर मुझे और डिटेल्स मिलती हैं। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा के रखो और अपने दो तीन व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।